नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सुशांत सिंह के इन्वेस्टिगेशन में ये बातें आई हैं सामने। सुशांत सिंह के ट्विटर को लेकर ट्विटर इंडिया से मुंबई पुलिस ने जानकारी मांगी। डायरेक्टर शेखर कपूर यशराज फिल्म्स के बैनर तले फिल्म बानी बनाने जा रहे थे, जिसमें सुशांत सिंह लीड रोल में थे, लेकिन दोनों के बीच अनबन हो गई थी। फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। सुशांत की मौत के बाद शेखर ने ट्वीट भी किया। अब पुलिस इस मामले में शेखर कपूर का बयान दर्ज कर रही है। सुशांत सिंह की मौत को लेकर उनका परिवार, एक्टर शेखर सुमन और खुद को सुशांत सिंह का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह के ऊपर सुशांत सिंह की मौत को राजनीति करने और मार्केटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। सुशांत सिंह के साथ उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जिसे मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है, उनकी एक्ट्रेस संजना संगी से पुलिस ने 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई। इससे पहले कुछ मीडिया में खबरें आई थी कि फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह ने एक्ट्रेस संजना के साथ गलत बर्ताव किया था, लेकिन अब संजना इन तमाम खबरों को कोरी बकवास बता रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो सामने आ रही है, खुद को सुशांत सिंह का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह का बयान अब तक नहीं हुआ है। हाँ, वो पुलिस थाने जरूर आए थे, लेकिन उनका बयान ना ही हुआ और ना ही पुलिस ने अभी तक उन्हें बुलाया है। अब तक जितने लोगों के भी बयान हुए हैं, उसमें किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि संदीप सिंह सुशांत सिंह के करीबी दोस्त थे या नहीं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के भाई और सुशांत की कंपनी के डायरेक्टर का बयान दर्ज कर रही है मुंबई पुलिस। और इस मामले को आगे बढ़ाते हुए सुशांत के करीबी दोस्त और रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती से इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते हुए उनका बयान दर्ज कर रही है। तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन है जो कि सुशांत सिंह की इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर रही है। तो यही सारी बातें जो है वो बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। फिलहाल आप सबका क्या कहना है इस पर, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।